सोलन के चायल में आजकल पंजाबी फिल्म की शूटिंग चल रही है। इस शूटिंग के लिए सुप्रसिद्ध खलनायक मुकेश त्रिशी चायल भी पहुंचे हैं। बॉलीवुड के बाद मुकेश त्रिशी तमिल, कन्नड़, मलयालम और पंजाबी फिल्मों के भी स्थापित कलाकार हैं और क्षेत्रीय सिनेमा में लीड रोल कर रहे हैं। भारतीय सिनेमा की घातक गुंडा गर्दिश, इंडियन घायल बाजी और सरफरोश जैसी 178 हिट फिल्मों में मुकेश ऋषि अपनी छाप छोड़ चुके हैं। अब मुकेश ऋषि के बेटे राघव ऋषि भी उनकी राह पर चल रहे हैं, लेकिन वे अब खलनायक नहीं बल्कि नायक की भूमिका में भी इस फिल्म में नजर आएंगे। राघव ऋषि के साथ कुलनूर बराड़ इस फिल्म में नायिका का रोल अदा कर रही हैं। मुकेश ऋषि ने शूटिंग के दौरान खास इंटरव्यू में अपने जीवन से जुड़ी विशेष बातें मीडिया से साझा की। मुकेश ऋषि ने बताया कि वह खलनायक से पहले एक खिलाड़ी हैं, यही वजह है कि वह इस उम्र में भी बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। उन्होंने कहा कि वह जितने भी व्यस्त हैं, लेकिन वह अपने आप को फिट रखने के लिए आज भी कुछ समय निकाल ही लेते हैं। इसलिए आज के युवाओं को भी कुछ समय अपने स्वास्थ्य के लिए निकाल लेना चाहिए। व्यायाम करने से सकारात्मक विचार आते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। मुकेश ऋषि ने बताया कि पंजाबी फिल्म की शूटिंग के लिए राघव और कुलनूर के साथ चायल आए हैं। यहाँ की खूबसूरती बहुत बढ़िया है। चायल के आसपास के क्षेत्र उनकी फिल्म के लिए बहुत उपयुक्त हैं। चायल के बाद उन्हें कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि चायल की खूबसूरती उनके यूनिट को भी बहुत पसंद आई है, इसलिए मौसम जब तक साथ देगा वे यहाँ शूटिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि वे हिमाचल के कई क्षेत्रों में गए हैं, लेकिन चायल की खूबसूरती के आगे फीके नजर आए हैं। स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी चीज है कि आप अकेले जी सकते हो उसके साथ में, वो सबसे बड़ा दोस्त बना सकते हो आप उसको, स्पोर्ट्स को। अब वो स्पोर्ट्स या तो 20 लोगों के बीच भी खेली जाती है और अकेले भी दौड़ा जाता है, ये आपने डिसाइड करना है। और मुझे अपने लाइफ स्पैन में कभी ये नहीं लगा कि ये नहीं होगा तो अब मेरा क्या होगा, मैं अकेला ही दौड़ता था। अरे यहाँ जाऊँगा तो मुझे नहीं आता, यहाँ नहीं, मैं अकेला ही जिम में चला गया, वहाँ सीखता रहा। तो मैं कभी अपने अकेलेपन से नहीं घबराया कि मुझे 10 लोग होंगे तो ही मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। नहीं, मैं अकेला दौड़ूंगा, मैं एक विकेट लगा के बॉलिंग करता रहता। तो उस तरह चीज़ें बनती रहती हैं। तो स्पोर्ट्स का डिसिप्लिन अगर आप अपने अंदर कर लेंगे तो इसका डिसिप्लिन एक कमाल की चीज़ सिखाता आपको। सबसे पहले तो आपको सिखाएगा कि आपने अपना दिन का बेहतरीन समय कैसे निकालना है इसके लिए, या सुबह होगा या शाम होगी। अगर वो शाम को होगा तो वो एक डेढ़ घंटा जो है इतनी पॉजिटिविटी होगी आप जब स्पोर्ट्स में जाएंगे, और वही न जाके आप किसी पान की दुकान पर खड़े होंगे या चार लोगों के बीच में होंगे, या उसमें से कोई सिगरेट पी रहा होगा, कोई ड्रिंक का मूड बन रहा होगा, उससे आप बचेंगे। और वो जो पसीना निकलेगा उसके अंदर, जो आपके अंदर चीज़ें भाव पैदा होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। कुछ शूटिंग हमने की, हम भी लॉकडाउन में फंस गए थे, कुछ शूटिंग हमने की थी पंजाब में की थी तो लॉकडाउन में फंसे। तो उसके बाद जब आस्ता आस्ता ये खुला तो हम सब लोग देखने के लिए आए जगह, तो ये हमारी पहले से ही सोलन हमारे दिमाग में था, और डलहौजी में भी हम लोग गए थे। लेकिन सोलन जब हम आए तो हमें जो हम सोच रहे थे वो सब हमें दिखने लगा। तो फिर हमने चहल, क्योंकि सोलन शिमला मेरे लिए नया नया, चंडीगढ़ पढ़ते थे तो हम लोग मोटरसाइकिलों पे घूमने आते थे, तो हमने सोचा चलो सोलन, चंडीगढ़, शिमला और कुफरी, ये सब जगह हम लोग घूमते हैं। तो जब हम इस तरफ पहुँचे तो इधर हमें वो चीज़ें मिल गई जो हमें चाहिए थी, और क्योंकि कहानी की ज़रूरत थी, इस तरह की लोकेशन जो है इस तरह का चाहिए था हमको। तो जब मिली तो फिर कहा इसके बाद हमने कुछ और नहीं सोचना, क्योंकि फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इससे अच्छा तो वो है, उससे अच्छा वो है, इससे इसका कोई अंत नहीं है। सो लेट्स सेटल ऑन कि ये अच्छा है, इसके अच्छा, इसके ऊपर हमको कुछ नहीं चाहिए, वी आर हैप्पी विद दिस। तो जब हम निकलते हैं तो टीम निकलती है, वो ओके करती है सब चीज़ों को। तो हमें चहल का बहुत ही अच्छा लगा। तो चहल के 20 किलोमीटर दिस साइड, 20 किलोमीटर सोलन के साइड ही हम अपनी फिल्म के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन्स हैं वो हम लोग शूट करेंगे।